सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग्स एंगल सामने आते ही बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां एनसीबी के रेडार पर आ चुकी हैं। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुलप्रीत सिंह के बाद अब बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम भी एनसीबी ने सोमवार को कंफर्म कर दिया है। ऐसे में दीपिका को जल्द ही एनसीबी की ओर से समन जारी किया जा सकता है। वहीं अपना नाम ड्रग्स मामले में सामने आने के बाद दीपिका भी अपना बयान जारी करने की तैयारी में है। वहीं सुनने में आया है कि एनसीबी की टीम आज दीपिका की मैनेजर से पूछताछ कर सकती है। दीपिका पादुकोण के ड्रग्स कनेक्शन के बाद अब उनकी चैट भी सामने आ चुकी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब दीपिका की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। दीपिका की चैट की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर जया शाह के एक कथित चैट में डी और के का नाम का जिक्र है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक डी का मतलब है दीपिका पादुकोण और के का मतलब है करिश्मा। बता दें कि यह करिश्मा जया शाह के एसोसिएट का नाम है। एनसीबी के अधिकारियों के मुताबिक जया शाह और करिश्मा के बीच ड्रग्स को लेकर कुछ चैट्स मिले हैं। क्वान कंपनी का कई बड़े बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस से संपर्क रहा है, जिसमें दीपिका का नाम भी शामिल है। बॉलीवुड में चल रहे ड्रग्स मामले में कथित रूप से एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम सामने आने के बाद कंगना रनौत ने भी उन पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया। कंगना ने दीपिका पर ड्रग्स मामले में निशाना साधा है। कंगना ने अपने हालिया ट्वीट में दीपिका को हाई सोसाइटी का स्टार बताते हुए उन पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, मेरे बात रिपीट करें, डिप्रेशन ड्रग अब्यूज का नतीजा है। उच्च समाज अमीर स्टार बच्चे जो उत्तम दर्जे का होने का दावा करते हैं अपने मैनेजर से पूछते हैं माल है क्या। कंगना ने हैशटैग भी यूज किए, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड ड्रगीज, हैशटैग दीपिका पादुकोण। जांच से जुड़े एनसीबी के एक सूत्र ने आईएएनएस को दिए बयान में पुष्टि करते हुए कहा, इस हफ्ते हम सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और कई अन्य लोगों को पूछताछ के लिए समन भेजेंगे। एनसीबी कुछ दिनों में दीपिका पादुकोण को भी पूछताछ के लिए समन भेजेगी, जबकि करिश्मा आज एनसीबी के सामने पेश होंगी। नवभारत से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नित्या विश्वकर्मा, नवभारत मीडिया।